हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस से 1.2। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करना है, जैसे इसमें हमें बताना है सिंबल्स के थ्रू कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, लेस देन है या फिर इक्वल है। ये तीनों सिंबल्स से हमें क्या करना है, कंपेयर करके बताना है। अब जैसे कोई भी नंबर अगर नॉर्मली दिया रहेगा, जैसे कि हम लोग ने देखा था, तो -7 -2 क्या है, इंटीजर्स नंबर्स में आ जाएंगे, तो इसको हम लोग इजिली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे -7 है, ठीक है, तो -7। अभी जैसे देखो, कभी भी जब आपको दो निगेटिव नंबर्स मिले कंपेयर करने के लिए, तो जो स्मॉलर नंबर रहेगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कंपेयर कैसे कर लेंगे, तो -7 < -2। यहाँ पे -2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब कोई भी कंपैरिजन अगर दो नंबर्स में है और जो दोनों नंबर्स निगेटिव है, तो जो स्मॉलर नंबर रहता है वो क्या आ जाता है, बिग हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड क्या दिया हुआ है, 0 - 9/5। अब यहाँ पर भी एकदम सिंपल चीज आपको समझनी है, जैसे अगर कोई भी दो नंबर्स दिए हैं कंपैरिजन के लिए, तो अगर एक नंबर 0 है और दूसरा कोई निगेटिव है, तो जो 0 वाला नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर हो जाएगा। कैसे, तो हम लोग ने नॉर्मली देखा था नंबर्स लाइन पे ये 0 हो जाता था और यहाँ पे हमारा निगेटिव नंबर्स आ जाते थे जितने भी, और यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ये 0 से कम है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे आप नंबर लाइन से इसको समझ सकते हैं। इसको हम लोग कैसे कंपेयर कर लेंगे, 0 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -9/5। आए समझ में। उसी तरह देखेंगे थर्ड क्या दिया है, 8/7, 0। अब यहाँ पे भी क्या दिया है, रैशनल नंबर दिया है ना, p/q फॉर्म में। क्या है, रैशनल नंबर का दिया p/q, तो 8/7, 0। लेकिन यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव नंबर है और 0 तो नॉर्मली 0 ही है कि नहीं। अब इसको भी कंपेयर कर सकते हो आप। अभी देखो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, जब पॉजिटिव नंबर्स और 0 नंबर्स के साथ में कंपैरिजन रहेगा, तो जो भी पॉजिटिव नंबर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8/7 > 0। आया समझ में। उसी तरह देखेंगे हम लोग फोर्थ क्या दिया है, -5/4, 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग को दो क्या मिल गए हैं, रैशनल नंबर्स मिल गए। क्या मिल गए, रैशनल नंबर जो p/q फॉर्म में है, और जो q है क्या है, 0 के इक्वल में नहीं है, p/q = 0। तो जैसे अगर इस तरह से कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन नंबर्स मिल जाए कंपेयर करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर चेक करना है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है कि नहीं। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है कि नहीं। तो इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। अब न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे -5 है और यहाँ पे 1 है, और जैसा कि मैंने नंबर लाइन में बताया था कि 0 से अगर यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो निगेटिव नंबर हो जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव, तो +1 कहाँ पर आएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और -5 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5। -5 यहाँ पर आ जाएगा, तो -5 ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लेस देन हो गया, मतलब छोटा हो गया। तो हम लोग यहाँ पे इसको किस तरह से लिख सकते हैं, -5/4 < 1/4। अभी इसकी प्रॉपर्टी भी है, जैसे ये तो नॉर्मल डिनोमिनेटर के थ्रू हमने कर लिया ना, अभी इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी समझेंगे कि जैसे अगर हम लोग डिनोमिनेटर सेम करने के बजाय डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं इसका कंपैरिजन। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 40/29 + 141/29। अगर यहां पर भी अगर आप देखो तो 29 दोनों जो हमारा फ्रैक्शन दिया है, या फिर जो बोल सकते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स जो दिया हुआ है, दोनों में क्या है, 29 दिया हुआ, मतलब
डिनोमिनेटर सेम है तो क्या कर लेंगे हम लोग डायरेक्टली कंपैरिजन कर लेंगे 40/29, ठीक है, बीच में स्पेस दे दो 141/29। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो 29 हो गया। अब हम लोग न्यूमेरेटर को कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 141 है। अभी देखो यहाँ पे दोनों नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है, तो जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे तो क्या है, जो नंबर्स ग्रेटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर ही रहेगा, तो मतलब 141 ग्रेटर हो जाएगा। तो इसको रीड कैसे करेंगे, 40/29 लेस देन 141/29। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक चीज समझ लो, जैसे कोई भी पॉजिटिव नंबर्स है, दो पॉजिटिव नंबर्स है, अगर उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो जो नंबर्स बड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन जब कोई भी दो नंबर्स नेगेटिव है अगर उसमें कंपैरिजन करेंगे तो जो नंबर्स छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब समझो कैसे, तो जैसे हम लोग कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 0, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3 और ये +4, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो यहाँ पे देखो -7 है, -2 है, तो यहाँ पे हम लोग कहा जाएगा -5, -6 और -7। अभी हम लोग कंपेरिजन किसका करना है, -7 का और -3 का। तो अगर आप देखो तो 0 से उसकी जो वैल्यू है क्या, डिक्रीज ही होती जा रही है, मतलब माइनस में ही जा रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 जो है क्या है, 0 से -3 है कि नहीं, और यहाँ पे क्या है, -7 है, मतलब जितना नेगेटिव नंबर्स में जितना बड़ा नंबर्स होते जाएगा, अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव में है तो क्या आ जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, और जो स्मॉलर नंबर रहेगा वो क्या आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का प्रैक्टिस सेट 8 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का जो 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।